गोटा शहर के राजेंद्र नगर मोहल्ले के रहने वाले पवन सिंह ने गोला फेंक के राज्य स्तर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि रांची में 3 दिसंबर को आयोजित झारखंड स्टेट मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोड्डा जिला को प्रतिनिधित्व करते हुए पवन सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। पवन सिंह 35 सालों से लगातार गोड्डा जिले को प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और इससे पहले भी उन्होंने 6 बार राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। 2 बार ईस्ट जोन एथलेटिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने 2 बार स्वर्ण पदक हासिल किया है। अभी आप शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कौन सा गेम था, ये पूरा डिटेल्स बता दीजिए। जी, मैं पवन कुमार सिंह गोड्डा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए रांची में आयोजित झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में हिस्सा लिया, जो 3 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया था। मैंने उसमें गोड्डा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता है और इसके पूर्व में मैंने गोड्डा जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए 6 बार राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। 2 बार ईस्ट जोन एथलेटिक्स में मैंने स्वर्ण पदक हासिल किया है और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। और मैं बता दूं कि गोड्डा जिले का मैं पिछले 35 वर्षों से प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं और गोड्डा जिला के तरफ से मैं 35 वर्षों से मैं इस गोला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेते आ रहा हूं, जिसमें मैंने राज्य स्तर पर पूर्वी क्षेत्र यानी ईस्ट जोन स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कई स्वर्ण पदक जीते हैं। नहीं, गोल्ड है आपके स्टेट को लेकर, आगे आप अपने करियर को कैसे देखते हैं और मतलब आपका लक्ष्य कहाँ तक पहुँच? जी, चूंकि जैसा मैंने बताया कि मैं बचपन से ही गोला फेंक में जुड़ा हूँ और गोला फेंक से ही मेरी पहचान भी है और गोला फेंक में मैंने कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, तो मेरी यही इच्छा है कि जो हमारे गोड्डा जिला के हमारे जो हमारी जो जनता है, तो उन सबों का मुझे भरपूर सहयोग, भरपूर स्नेह और प्यार मुझे मिला है, जिसके बदौलत मैं आज 35 वर्षों से गोड्डा जिला का प्रतिनिधित्व करते आ रहा हूं और उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से भी, आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों के दुआओं से मैंने गोड्डा जिला का 35 वर्षों से प्रतिनिधित्व किया है और करते आ रहा हूं। और जब तक मेरे शरीर में क्षमता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तब तक मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पदक गोड्डा जिले के लिए लेकर आऊं और मेरी यही ख्वाहिश है कि खेल मेरा ये अभी जारी है और आगे जारी रहेगा। अभी कहाँ से आपके करियर की शुरुआत हुई थी? जी, मेरी करियर की शुरुआत मैंने मैट्रिक गोड्डा सेंट थॉमस स्कूल से किया है और मैं जब क्लास 6 में पढ़ता था तो गोला फेंक में मैंने स्कूली प्रतियोगिता में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया और तभी से मुझे यह जुनून हुआ कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना है। फिर मैं दिन दुनी रात चौगुनी मेहनत करते गया और फिर मेरी करियर की शुरुआत गोड्डा सेंट थॉमस स्कूल से हुई और पहला स्टेट मैंने जमशेदपुर टाटा में मैंने हिस्सा लिया था, जहाँ मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया और फिर वहाँ से हमारा सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर आगे बढ़ता ही चला गया। और इसके अलावा मैं बता दूँ कि मैंने 10+2 DPS बोकारो यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया है और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। और इसके अलावा मैं झारखंड का भी रिकॉर्ड होल्डर हूँ, बिहार का भी रिकॉर्ड होल्डर हूँ गोला फेंक में। और अभी 3 दिसंबर 2023 को रांची के मोराबादी स्टेडियम में झारखंड स्टेट मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में मैंने स्वर्ण पदक जीता और
इसके अलावा मैं एक चीज और भी बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं एक पावर लिफ्टर भी हूँ, वेट लिफ्टर भी हूँ और बॉडी बिल्डिंग भी मैं करता हूँ। और मैं यही चाहूँगा और मेरी यही ख्वाहिश है सभी युवाओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर के प्रति ध्यान दें, जागरूक रहें। और सबसे बड़ा दौलत, सबसे बड़ा धन इस धरती पर शरीर है, आपका स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। और सभी से मेरा पुनः यह अनुरोध रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हुए आप मेहनत करें और करियर बनाएं। आज के समय में सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा हेल्प स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है। आप इसको अपना करियर भी चुन सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करें, मेहनत से नहीं भागें। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत आप करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर आगे अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।